एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का मैं अपना ब्लॉग है जो कि इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, और ये क्या था, संडे का ही ये ब्लॉग था, नेक्स्ट संडे का ही मैं ये शूट करी थी। तो अभी इवनिंग का टाइम है, और इसके बाद यहाँ पे मैं दिया जलाई थी दीपक शाम का, और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं छुट्टी था तो फिर मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची कि आज मैं मेरे को किचन का क्लीनिंग करना था, क्योंकि मेरे को किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था। तो फिर मैं सोच रही थी, थोड़ा सा मैस हो गया था, और ऐसे मतलब कि क्या होता है कि 15 दिन या फिर 1 मंथ में मैं डीप क्लीनिंग तो करती रहती हूँ। तो वही है कि अभी मेरे को सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी अच्छे से, और इसके बाद यहाँ पर तो वही सारा सामान वगैरह था जो कि मैं यहाँ से हटा रही थी, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करना था। तो डेली तो ऐसे नॉर्मल क्लीन करते हैं, बट क्या होता है कि आपको मतलब कि फिर भी थोड़ा बहुत तो मतलब डीप क्लीनिंग करना ही पड़ता है, अच्छे से पूरा सारे सामान वगैरह हटाना पड़ता है। फिर हटा के फिर मैं उसको सारे सामान वगैरह को अच्छे से वॉश करके फिर मैं सुखा के और यहाँ पर अच्छे से सेट करूँगी। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे मैं पूरा जो टाइल्स वगैरह है किचन का पूरा वॉल वगैरह उस पर थोड़ा सा मैं विम बार लगा के और स्क्रब में इसको अच्छे से क्या होता है कि आपकी डेली क्लीन करिएगा तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत ऑयली ऑयली इधर हो जाता है टाइल्स वगैरह पे, तो बट ऐसे तो मैं क्लीन डेली करती हूँ, तो फिर भी मैं एक बार डीप क्लीन तो करती हूँ जैसे कि मैंने आप लोग को बताई। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रब से और विम बार लगा के अच्छे से मैंने चारों तरफ टाइल्स को पहले स्क्रब कर लिया, और इसके बाद मैं इसको गीला करके कपड़े से 2-3 बार करके साफ़ कर दूंगी। तो चलिए फिर यहाँ पे अभी मैं साइड एक साइड करके ऐसे करके चारों साइड में क्लीन करूँगी। तो चलिए फिर इसको कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये मैंने एक साइड को तो अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, और ये दूसरे साइड में है, तो इसको भी अच्छे से मैं पूरा टाइल्स को क्लीन कर दूंगी, और विंडो वगैरह भी। तो विंडो पर का जो है, अभी यहाँ पे मैंने नेट चेंज किया पूरा अच्छे से, अब इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पूरा ये बोर्ड वगैरह है, तो उसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दी, और फिर मैं इसको स्क्रब से यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर इसके बाद में इस साइड भी कपड़े से अच्छे से गीले करके 2-3 बार करके साफ कर लेती हूँ। तो ये हमारा पूरा क्लीन हो जाएगा, तो इसके बाद मैं गैस वगैरह पूरा ये जो हमारा काउंटर वगैरह है उसको मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैंने गैस का पूरा बर्नर वगैरह जो था इसको अच्छे से मैंने साफ़ करूँगी, तो यहाँ पे सब कुछ इसका निकाल दी हूँ, और गैस का चूल्हा वगैरह तो अच्छे से क्लीन करते हैं, तो इसको भी मैं स्क्रब से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया, और करने के बाद में इसको भी अच्छे से मैंने गीले कपड़ों से 2-3 बार करके और मैं इसको साफ़ कर ली। तो चलिए फिर, और यहाँ पर इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ।
यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा क्लीन कर दिया इधर साइड का, और फिर इसके बाद सारा बर्तन वगैरह था उसको वॉश करी, जो थोड़ा बहुत जितने सामान थे वो सबको वॉश करी, और थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको अभी मैं क्लीन करूँगी। बट मैंने इधर का बिल्कुल साफ़ कर दिया अच्छे से, और ये मैं नेक्स्ट डे घी बनाई थी तो यहाँ पर इसी को थोड़ा सा मैंने गर्म किया ताकि ये मेल्ट हो जाए और इसको मैं डब्बे में डाल दूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा मैंने इसको मेल्ट करने के लिए, गर्म नहीं है अभी, मैं सोच रही थी कि इसको या फिर स्टील के डब्बे में डालूँ या फिर शीशे के डालूँ, तो ये ज़्यादा था तो शीशा का इतना बड़ा तो मेरे पास डब्बा नहीं था, तो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि कांच के जो होते हैं ना तो हम लोग जब पोस्टिंग वगैरह जाते हैं तो टूट ही जाता है, तो इसके चक्कर में कांच का तो मैं रखती नहीं हूँ। तो यहाँ पर अभी उसको थोड़ा सा मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है क्योंकि हल्का सा मेल्ट करी थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसी ही है, बस ऐसे मतलब कि ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ है, गर्म भी नहीं है क्योंकि प्लास्टिक में तो यूज़ नहीं करना चाहिए गर्म चीज़। तो यहाँ पे अभी मैं सोच रही थी कि तो चलते हैं अभी, इस बार तो मैंने इसी में डाल दिया क्योंकि मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद में 2 दिन से ऐसी रखी थी, मेरे को मिला नहीं कोई, उसमें बॉक्स वगैरह भी मैंने रखा था उसमें डालने के लिए, जो कैन में डालने के लिए मैं सोच रही थी कि उसी में डाल देती हूँ। तो अभी देखते हैं इस बार अच्छे से पूरा मैं ढूंढूंगी, इसके बाद निकालूंगी उसको रखने के लिए। तो चलिए फिर, और यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए, तो चाय रख देती हूँ ताकि बनने के लिए, क्योंकि अभी कब से मैं पूरा क्लीनिंग वगैरह करने में बहुत टाइम लगा, मैंने थोड़ा बहुत ही शूट करी थी तो यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग से किया था कि मैंने बहुत छुट्टी था तो बहुत सारा काम करी थी, तो ये मुझे आज क्लीनिंग का मुझे करना ही था, तो इसीलिए मैंने आज ये शाम से, मैं बोली कि शाम को मैं फ्री रहूँगी आराम से ये करूँगी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारा घी बिल्कुल ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद में मैंने इसको डब्बे में डाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये सारे को मैं, क्या होता है कि इसको छान के और मैं रख दूँगी, और छानने के बाद, और इस बार जो था ना कि मैं मलाई इस बार मैं जो निकाली थी ना वो अलग तरीके से मैंने इस बार बनाया था, जिसमें आपका जो इसका ज़्यादा जो होता है ना इसमें निकलता है जो मलाई, तो उसका मतलब ज़्यादा नहीं निकला था, बिल्कुल क्लीन फ्रेश बिल्कुल ये जो हमारा मलाई था वो मतलब घी था वो निकला था, क्योंकि आपको मैं बताऊँगी कि क्यों। तो चलिए फिर डब्बे में डाल देती हूँ इसको सारे घी। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने एक कढ़ाई इसमें घी था उसमें इतना ही इसमें निकला था जो मलाई का होता है ना उसमें, तो जो यहाँ पे मतलब गरम करने के बाद में, नहीं तो हर एक बार क्या था ना कि बहुत ज़्यादा निकलता था उसमें, मतलब घी भी रहते थे, तो वो मैं अभी कोई वीडियो में बनाऊँगी ना नेक्स्ट टाइम पे, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं मलाई निकालूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर हमारा घी रेडी हो गया है और ये आराम से इजीली एक मंथ चला जाता है हमारा, और इधर चाय हो गया था और इसके बाद मैंने चाय, और यहाँ पे क्या है कि सारे काम वगैरह मैंने ख़त्म करने के बाद में फिर मैंने डिनर बनाने लगी, साथ में मैं बोली कि चलो डिनर भी बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों को होमवर्क वगैरह भी देखना है और थोड़ा बहुत स्टडी मैं कराऊँगी क्योंकि आज तो काफ़ी लेट हो गया है, तो ज़्यादा देर क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल है, तो फिर अभी तो मैंने उन लोगों को दे दिया था कि काम ये सारे जो है उसको कम्प्लीट करो, तब तक मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। तो फिर इसके बाद यहाँ पर अभी मैं आटा वगैरह गूँथ के रख दूँगी और फिर इसके बाद डिनर मैं बना लूँगी। तो चलिए फिर मैं डिनर बना और की वीडियो मैं यहीं पेंट कर देती हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।